फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हम लोग आधार कार्ड को यूज़ करते हैं उसमें जो पहले आधार कार्ड बनता था उसमें डायरेक्ट आपको सोन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ इस टाइप से लिखा हुआ आपको मिलता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो भी न्यू आधार कार्ड बन रहा है या आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन कर रहा है, तब जाके जो न्यू आधार कार्ड मिलता है तो उसमें आपको सोन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ इस टाइप से नहीं मिलता है, जस्ट उसमें केयर ऑफ बोल के लिखा हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को लेके बहुत सारे लोग कमेंट करता है, मैसेज करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आधार कार्ड ऑथोरिटी ने पहले केयर ऑफ, सोन ऑफ, डॉटर ऑफ जो भी है मतलब देता था, लेकिन अभी केयर ऑफ दे रहा है, ये आप खुद नहीं कर रहे हो। जो केयर ऑफ आ रहा है ये आप खुद नहीं कर रहे हो, ये आधार ऑथोरिटी से ही आपको दिया जा रहा है। तो केयर ऑफ से पता लगता है कि आप इस व्यक्ति के मतलब केयर में हो, तो इससे कोई आइडेंटिफाई नहीं होता है कि जो आधार कार्ड में नेम है वो आपका फादर का नेम है या आपका हस्बैंड का नेम है, तो इस टाइप से कोई आइडेंटिफाई नहीं होता है। तो इसको लेके ही बहुत सारे लोग टेंशन में रहता है कि अगर कोई भी वेरिफिकेशन में इस आधार कार्ड को यूज़ करेंगे तो वो मानेगा नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के जरिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग के साथ होता भी है कि केयर ऑफ के वजह से बोलते हैं कि कार्ड में जो व्यक्ति का नाम है वो आपका फादर है या हस्बैंड है या क्या है, मतलब उसे कोई पता नहीं लगता है, इस वजह से मतलब रिटर्न करते हैं। तो ऐसे भी कमेंट आया था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको इस टाइप से कोई मतलब आपको मना करते हैं या वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट करते हैं, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो जब कार्ड है ये आधार ऑथोरिटी ने प्रोवाइड किया है, तो आप ऑनलाइन चेक करके देख सकते हो। अगर चेक करके देखिए, अगर उसमें कोई भी मतलब दूसरा मिस्टेक है तब रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन केयर ऑफ, सोन ऑफ इस वजह से आप रिजेक्ट करना मतलब ये मतलब कोई ठीक नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए, उसमें केयर ऑफ है अगर और उसमें आपका फादर नाम लिखा हुआ है, तो आप दूसरा एक डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो जिसमें डायरेक्ट लिखा है कि आपका फादर नेम, जैसे कि आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो या आप ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो या दूसरा जो भी डॉक्यूमेंट्स है जिस डॉक्यूमेंट्स में मतलब मेंशन है कि आपका फादर नेम ए है, तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को दिखा के बोल सकते हो कि इधर तो केयर ऑफ है, केयर ऑफ में मेरा फादर का नाम है लेकिन उससे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए जिसमें डायरेक्ट फादर नेम या सोन ऑफ बोल के है, तो उससे मतलब क्लियरिफाई हो जाएगा कि हाँ ये जो व्यक्ति का नाम है ये आपका फादर ही है, तो इस हिसाब से आप उनको बोल सकते हो। तो ऐसे तो मतलब कोई दिक्कत होता नहीं है, बहुत कम लोगों के साथ ही इस टाइप का दिक्कत होता है, लेकिन आप इस टाइप से अगर बोलेंगे तो वो बनेगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जो केयर ऑफ आता है या सोन ऑफ आता है वो हम लोग नहीं करते, डायरेक्ट आधार अथॉरिटी से आता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आधार अथॉरिटी का, आपका नहीं है, तो आप उसमें खुद से कुछ नहीं कर सकते हो, सोन ऑफ लगा नहीं सकते हो या डॉटर ऑफ लगा नहीं सकते हो। केयर ऑफ आता है सभी के साथ, केयर ऑफ आता है, ऐसा नहीं कि ओनली आपके साथ ही आया है, ऐसे जो भी न्यू आधार कार्ड बनता है सभी में केयर ऑफ ही आता है, तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। और कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश करता है अथॉरिटी लोग, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि मेरा आधार कार्ड को आप ऑनलाइन चेक करके देख सकते हो ऐसा है, और आप एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकते हो कि हाँ मेरा जो रिलेशन जो भी हो आपके रिलेशन, फादर हस्बैंड जो भी हो, तो जो आपके पास एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसको दिखा के उससे आप मैच करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स इस टाइप से अगर करेंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, किसी भी तरीके के वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।